हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फंक्शंस के अंदर रिकर्जन के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। रिकर्जन फंक्शन के अंदर हमको ये कॉन्सेप्ट समझाता है कि जब हमें लूप के बिना लूप चलाना हो, यानी कि हम बिना लूप की एक्टिविटी को परफॉर्म करना हो, तो हम रिकर्जन का उपयोग करते हैं। रिकर्जन का मतलब ही होता है सेल्फ लूप, यानी रिकर्जन जब फंक्शन के साथ लगा है तो इसका तात्पर्य होता है कि फंक्शन कॉल्स विद इन अ फंक्शन। मतलब फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। फंक्शन जब खुद ही को बुलाए तो इसको रिकर्जन बोलते हैं। एग्जाम्पल, अब हमने अगर कोई प्रोग्राम लिखा, उसमें लिखा हमने प्रोग्रामिंग इन सी, और उसके बाद हमने मेन फंक्शन को कॉल कर लिया। यस, मेन फंक्शन भी कॉल होता है जब मेन के अंदर ही मेन कॉल हो जाए। तब जैसे अब इसका आउटपुट क्या आएगा, प्रोग्रामिंग इन सी एक बारी प्रिंट हुआ, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब क्या होगा, यहाँ पे मेन फंक्शन दोबारा कॉल हो रहा है, यानी कि यहाँ से कंट्रोल मेरा ऊपर जाएगा, ठीक है। एक बार तो कंपाइलर ने कॉल किया मेन को, तो ये चल गया। अब मेन के अंदर ही मेन कॉल हो गया, फंक्शन के अंदर ही खुद ही फंक्शन को हमने कॉल कर दिया, उसी फंक्शन को कॉल कर दिया जिस फंक्शन के अंदर ऑलरेडी हम है, तो उसको हम रिकर्जन बोलेंगे। फिर यहाँ से कंट्रोल वापस ऊपर जाएगा, प्रिंट करेगा प्रोग्रामिंग इन सी अगेन सेम लाइन में, फिर मेन, फिर प्रोग्रामिंग इन सी, फिर मेन। तो ये एक तरीके का इन्फाइनाइट लूप हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपने कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दी, क्योंकि आपने यहाँ पे कोई टर्मिनेशन नहीं दिया, इसलिए ये ऑन गोइंग चलता रहेगा। और इस तरीके के लूप को काफ़ी डेंजरस लूप बोला जाता है, क्योंकि ये बेसिकली आपके कंट्रोल को इन्फाइनाइट लूप के अंदर फंसा देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई लूप नहीं लगा, किसी प्रकार का फोर लूप, वाइल लूप या डू वाइल लूप या किसी अन्य प्रकार का हमने कोई भी आइटरेशन नहीं लगाया है, और उसके बिना आइटरेशन, उसके बिना यहाँ पे जो लूप का कॉन्सेप्ट है वो एग्जीक्यूट हो गया, अपने आप चल गया। क्यों? क्योंकि हमने फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को खुद ही को बुला लिया। तो एक तो हम बोलते हैं रिकर्जन का मतलब है फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, दूसरा है इट इज अ सेल्फ लूप। ये एक सेल्फ लूप है, अपने आप में एक खुद ही में लूप बना देता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज रिकर्जन। रिकर्जन का यूज हम काफी सारी चीजों में करते हैं, और जनरली हम आगे चल के डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, तो उसमें भी काफी सारे रिकर्सिव मेथड्स हैं हमारे पास, रिकर्जन के ऊपर काफी सारे ऑपरेशन आते हैं, वो हम एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ेंगे। उन टॉपिक्स को अगर मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा तो शायद अंडरस्टैंड भी ना करें आप, तो इसलिए हम अभी सिर्फ रिकर्जन के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं कि हम सी के अंदर रिकर्जन को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब जैसे ये वाला प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्रामिंग इन सी प्रिंट कर रहा है और अगेन एंड अगेन प्रिंट कर रहा है, तो इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमने कोई एग्जिट पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो वो देना हमारे लिए बहुत मैंडेटरी है, वरना हम इनफिनिट लूप में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। तो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर का एक प्रोग्राम बनाते हैं रिकर्जन से, और उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि रिकर्जन के थ्रू बिना लूप लगाए हम किसी नंबर का फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया है जिसमें हमने फोर लूप, वाइल लूप या डू वाइल लूप के थ्रू हमने फैक्टोरियल का कैलकुलेशन किया है। अब हम उसको फंक्शन के थ्रू भी बना चुके हैं, उसको बिना फंक्शन के भी थ्रू बना चुके हैं, अब हम उसको रिकर्जन के थ्रू बनाएंगे। आपने देखा होगा फैक्टोरियल के प्रोग्राम के अंदर हमने लूप का यूज़ किया ही किया है, लेकिन जब रिकर्जन के थ्रू करेंगे ऑब्वियसली हम लूप का यूज़ नहीं करेंगे। फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग रिकर्जन।
इंट फैक्ट इंट, ये हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया कि हम फैक्ट नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, उसका रिटर्न वैल्यू इंट होगा और जो आर्ग्यूमेंट्स भेजेंगे वो भी सिंगल वैल्यू इंटीजर होगा। एक एन ले लेते हैं, एक एफ ले लेते हैं, एफ रिजल्ट के लिए, एन फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए। एंटर अ नंबर, अब यहाँ पे हमने फैक्टोरियल कॉल करवाया है और रिजल्ट को यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं। गेट सी एच प्रोग्राम क्लोज कर देंगे। यहाँ पे हम प्रोग्राम बनाते हैं, इंट फैक्ट इंट एन, एक वेरिएबल ले लेते हैं के, और यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या एन मेरा वन है, तो रिटर्न करेंगे वन, एल्स के इक्वल टू एन इंटू फैक्ट एन माइनस वन और रिटर्न के, और ये हमने फंक्शन बंद किया। ये हमारा फैक्टोरियल कैलकुलेशन करने का लॉजिक है यूजिंग रिकर्जन। तो यहां पे रिकर्सिव फंक्शन, ये रिकर्सिव फंक्शन कैसे कैसे मालूम चलेगा कि ये फंक्शन रिकर्सिव है? ये स्टेटमेंट देखिए, ये स्टेटमेंट, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने मेन के अंदर मेन को कॉल करवाया था, ऐसे हम फैक्ट नाम के फंक्शन के अंदर फैक्ट को पुनः कॉल करवा रहे हैं, ठीक है। बट यहां पर हमने कंडीशन लगाई है, वहां कंडीशन नहीं थी इसलिए इनफाइनाइट लूप था। यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट, रिकर्जन के अंदर ये एक अच्छे स्किल है कि आप एक रिटर्न स्टेटमेंट का उपयोग करें, वरना आप बाहर नहीं आए आ पाएंगे, ठीक है ना। इट इज गुड टू पुट रिटर्न इन रिकर्सिव फंक्शन टू एग्जिट द सेल्फ लूप, वरना आप बाहर नहीं आ पाएंगे। टू अवॉइड इनफिनाइट कंडीशन वी हैव टू पुट रिटर्न स्टेटमेंट इन अ फंक्शन इटसेल्फ। तो ये तो हमारा पूरा प्रोग्राम है, इसको हम रन करेंगे तो 100% रिजल्ट आएगा। इसको एग्जीक्यूट करके देखिएगा आप, 100% रन करेगा। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउ इट वर्क्स, इसको ड्राई रन तो करके देखना पड़ेगा कि ये कैसे आउटपुट देगा। तो लेट्स से एन की वैल्यू इनपुट हुई 4, तो हम 4 के लिए चेक कर रहे हैं। और मैं यहाँ बना देता हूँ, थोड़ा मुझे बेसिकली जगह चाहिए होगी तो मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ। एन की वैल्यू 4, ध्यान से देखिएगा जहाँ जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ फैक्ट एन, ठीक है ना। तो मैं एक बफर बना रहा हूँ जहाँ पे हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं। पहला है यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम है, नंबर वन फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ। जब यहाँ पे कॉल हुआ तो एन की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है। एन की वैल्यू जब 4 हुई, के की वैल्यू तो कुछ है नहीं, क्या एन यानी कि 4 1 के इक्वल्स है? इज इट ट्रू फॉल्स? तो हम कहाँ जाएंगे, एल्स में। एल्स में क्या हो रहा है, एल्स में हो रहा है के इक्वल टू एन इंटू फैक्ट एन एन माइनस 1। तो मेरा कंट्रोल यहीं से स्विच कर जाएगा ऊपर, कंट्रोल यहीं से स्विच होकर ऊपर चला जाएगा और एन की वैल्यू 3 कर देगा। लेकिन ये कैलकुलेशन पेंडिंग कर दी उसने, तो ये कौन सी कैलकुलेशन है? ये कैलकुलेशन है के इक्वल टू 4 इंटू फैक्ट 3, ये कैलकुलेशन है, ये और रिटर्न के।
तो जब तक हमारे पास इसका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक उसकी मल्टीप्लाई 4 के साथ नहीं हो सकती। मतलब दोबारा सुन लीजिए, एन की वैल्यू 4 यहां गई, 4 एन के 1 के इक्वल नहीं, एल्स एन इंटू फैक्ट एन माइनस 1। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पर ये जो काम है ये क्या हो रहा है, 4 इंटू फैक्ट एन माइनस 1, तो इतना पोर्शन पे ध्यान दीजिए, ये क्या है, फैक्ट की वैल्यू 3 कर दी इसने, ठीक है ना, 3 ऊपर गया, एन की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो जब तक मेरे पास इसका आंसर नहीं आ जाता तब तक उसकी मल्टीप्लाई मैं 4 के साथ नहीं कर सकता, तब तक के नहीं आएगा तब तक रिटर्न नहीं होगा। तो ये दोनों काम पेंडिंग हो गए हमारे, ठीक है। तो क्या काम पेंडिंग हो गया, काम पेंडिंग हो गया जी के इक्वल टू 4 इंटू फैक्ट 3, उसके बाद ये रिटर्न करेगा के की वैल्यू। तो ये काम पेंडिंग है, फंक्शन मेरा पहली बारी कॉल हुआ था यहां पर, दूसरी बारी यहां पर कॉल हुआ, ठीक है। अब एन की वैल्यू कितनी कर दी उसने, 3 कर दी, तो 3 1 की इक्वल है, दोबारा से चेक होगा नहीं, एल्स 3 इंटू फैक्ट 2, यानी कि अब जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, 3 इंटू फैक्ट 2 और रिटर्न के। तो मेरा अब तीसरी बारी फंक्शन यहां पे कॉल हुआ, पहली बारी यहां कॉल हुआ, दूसरी बारी यहां कॉल हुआ और तीसरी बारी यहां कॉल हुआ फैक्ट की वैल्यू 2 के साथ। अब एन की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। देखिए यहां से मेरा कंट्रोल नीचे नहीं आ पा रहा है क्योंकि यहां पे फंक्शन कॉल हो जा रहा है, तो मेरा कंट्रोल यहां से स्विच होकर वापस ऊपर चला जाएगा और जो पिछला कैलकुलेशन है ये वाला या ये वाला, ये पेंडिंग है, अभी ये पेंडिंग है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। एन की वैल्यू अब कितनी होगी, 2, 2 1 की इक्वल है नहीं, तो 2 इंटू फैक्ट 1। तो यानी कि फोर्थ टाइम जब कॉल होगा फंक्शन, तो कैसे कॉल होगा, मैं यहां बना दे रहा हूं, के इक्वल टू 2 इंटू फैक्ट 1 रिटर्न के। तो अब आप देख सकते हैं 1 2 3 इसका नंबर हमने दे दिया 4, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पे n की वैल्यू कितनी गई, 1 गई, क्योंकि फैक्ट के अंदर क्या भेजा हमने, 1 पहले हमने भेजा था शुरू में, इसको मैं रब कर देता हूं नीचे से, शुरू में हमने भेजा यहां पर कितना, 4, फिर यहां पे कितना गया, 3, फिर यहां पे कितना गया, 2, फिर कितना गया, 1। अब 1 ऊपर चला गया, तो क्या n की वैल्यू 1 है, यस 1 है। तो अब ये रिटर्न करेगा, मैंने आपको बताया हुआ है पिछली वीडियोज में कि रिटर्न स्टेटमेंट वहां वैल्यू रिटर्न करती है जहां फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है ना। तो रिटर्न होगा 1, कंडीशन ट्रू होगी, रिटर्न होगा 1। अब रिटर्न 1 कहां पे होगा, फंक्शन कहां पे कॉल हुआ, फंक्शन कॉल हुआ यहां पर, लेकिन जब यहां पे फंक्शन कॉल हुआ था तो उसने क्या इंस्ट्रक्शन जनरेट की थी, ये वाली। इसने क्या जनरेट की थी, ये वाली। इसने क्या जनरेट की थी, ये वाली। तो रिटर्न जब स्टेटमेंट होगी तो उसके बाद फर्स्ट टाइम यहां पे कॉल हुआ, उसके बाद तो 3 बारी और कॉल हो गया, 1 2 3। तो रिटर्न स्टेटमेंट हमेशा वैल्यू रिटर्न करता है जहां फंक्शन कॉल हुआ। इसमें एक लाइन और ऐड कर लीजिए कि वहां रिटर्न करता है जहां लास्ट टाइम फंक्शन कॉल हुआ। फंक्शन फर्स्ट टाइम यहां कॉल हुआ, सेकंड टाइम यहां कॉल हुआ, थर्ड टाइम यहां कॉल हुआ, फोर्थ टाइम यहां कॉल हुआ। तो जब रिटर्न स्टेटमेंट आएगी, यानी कि ये लाइन क्यों चल रही है, क्योंकि इसने फंक्शन कॉल किया था, इसने जब कॉल किया तो उसने ये जनरेट किया, इसने जब कॉल किया तो उसने ये जनरेट किया, इसने कॉल किया तो उसने ये जनरेट किया, इसने कॉल किया तब ये जनरेट नहीं हुआ, तब ये जनरेट हुआ। तो रिटर्न वैल्यू क्या होगी, यहां से रिटर्न होगी वैल्यू 1, किसके पास, 4 वाले के पास। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1, तो अब कैलकुलेशन हो जाएगी 2 इंटू 1, 2, रिटर्न होगा के। ये रिटर्न क्यों करेगा, ये कहां रिटर्न करेगा, जिसने इसको जनरेट किया, इसने किसको जनरेट किया, इसने। तो 2 इंटू 1 2, तो यहां की वैल्यू अब जाएगी, बैक ट्रैक मारेगी यहां पर, तो इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 3 इंटू 2 6, 6 कहां जाएगा, 3 ने किसको कॉल किया था, 3 जो कॉल, 3 की जो बेसिकली स्टेटस आया था वो किसकी वजह से आया था, 2 की वजह से आया था। तो 3 इंटू 2 6, 6 यहां जाएगा, इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 6, 6 इंटू 4 24, ये भेजेगा यहां पे, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। फैक्ट 10 कहां है, ये रहा 24, F में गया 24 और 24 मेरा आउटपुट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। रिकर्जन जब भी रिटर्न करता है वैल्यू, तो रिवर्स ऑर्डर में वैल्यू रिटर्न करता है,
जिस ऑर्डर में फंक्शन कॉल हुए उसके रिवर्स ऑर्डर में ये काम करेगा। इसको हम लोग बेसिकली एक कॉन्सेप्ट से जोड़ते हैं जो आगे डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। कभी डेटा स्ट्रक्चर्स अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है, बड़ा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है स्टैक का। स्टैक, स्टैक बेसिकली एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो फॉलो करता है रूल ऑफ लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे शादी वगैरह में जाते हैं तो हम देखते हैं प्लेट्स रखी होती खाने की, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो सबसे पहले नॉर्मली आप कौन सी प्लेट निकालते हैं खाने के लिए? सबसे ऊपर वाली। लेकिन ध्यान दीजिए वो सबसे लास्ट में रखी होती है। अगर हम एक एक कलर के प्लेट ऊपर रख रहे हैं तो लास्ट में जो रखी जा रही है वो सबसे पहले जा रही है। उसी प्रकार से गैराज है, गैराज में एक गाड़ी गई, फिर दूसरी गई और फिर तीसरी गई। अब गैराज भर गया, गैराज बंद कर दिया। अगले दिन जब सुबह गाड़ी बाहर निकाली जाएगी तो पहले कौन सी गाड़ी बाहर आएगी? जो लास्ट में आपने स्टोर की थी वो पहले बाहर आएगी, जो लास्ट में पार्क की थी वो पहले बाहर आएगी। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट, रिवर्स ऑर्डर में। उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी किया है कि पहले ये, इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ और इसकी वजह से रिटर्न हुआ वन। तो जब ये वैल्यू रिटर्न करेगा तो ये रिवर्स ऑर्डर में करेगा। यहाँ पर यहाँ से यहाँ पर टू गया, थ्री टू द सिक्स, सिक्स यहाँ पर, सिक्स फोर द 24, क्योंकि फोर पेंडिंग था यहाँ पर। फोर की मल्टीप्लाई तब तक नहीं हो सकती जब तक हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं आ जाती है ना। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई सिक्स, सिक्स फोर द 24, 24 गया यहाँ पर, 24 से वैल्यू गई एफ में, एफ प्रिंट हो गया 24 में। ये जो 2 × 1 है ये काम पेंडिंग था कब तक के लिए? जब तक वैल्यू रिटर्न ना आ जाए। तो 1 आ गया यहाँ पर, 2 × 1 2, रिटर्न हुआ 2। ये काम पेंडिंग है, 3 की मल्टीप्लाई होगी फैक्ट 2 की वैल्यू के साथ। फैक्ट 2 की वैल्यू क्या है? जो रिटर्न की वैल्यू है, विच इज 2। तो 3 × 2 6, 6 गया यहाँ पे, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो k की वैल्यू है विच इज 6, 6 गया, 6 फोर द 24, 24 यहाँ पे, 24 एफ। अगर n की वैल्यू हम 5 करते तो ये एक बारी और चलता, पहले ये 5 के लिए चलता, फिर 4 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 2 के लिए और फिर एक बारी और 1 के लिए, और फिर वहीं से बैक ट्रैक मारता, रिवर्स ऑर्डर में आता तो आंसर मेरे पास 5 की जो फैक्टोरियल होता है वो आ जाता। डेट इज आई थिंक 120, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये हमारा प्रोग्राम, फैक्टोरियल का प्रोग्राम रिकर्शन से बना, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने कोई भी लूप का उपयोग नहीं किया है, ठीक है। ऐसे एक फिबोनाची सीरीज का एक प्रोग्राम जो ऑलरेडी हमने लूप के अंदर किया हुआ है उसको आप रिकर्शन से बना के देखेंगे, ठीक है। कोई डाउट हुआ तो आप मुझे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा आपको, ठीक है। तो रिकर्शन में इतना ही, थैंक यू।